दरअसल कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए अलीराजपुर अब वो पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बैठक को संबोधित किया। वहीं पर मीडिया से मुखातिब होते हुए दिग्विजय सिंह प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर कहते हुए नजर आए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं नेमावर कांड में 45 दिनों तक परिवार के लोग गायब रहे, कांग्रेस नेताओं ने दबाव बनाया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई है, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। वहीं स्थानीय विधायक पर बीजेपी समर्थकों को बचाने का भी आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही मंत्री कमल पटेल पर सिफारिश करने का भी आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया। कानून व्यवस्था अभी नेमावर का कांड ले लीजिए, 45 दिन तक पूरा परिवार गायब रहा, पुलिस के चक्कर काटते रहे। जब विक्रांत भूरिया ने ये मुद्दा उठाकर वहां पे जवाब डाला, तब जाके पुलिस ने हरकत में आई और गिरफ्तार लोगों को किया। ये कौन लोग गिरफ्तार हुए? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जिनको बचाने में वहां के स्थानीय भाजपा के विधायक उनकी पैरवी करते रहे, छुड़ाते रहे, उनको थाने से उठा के ले गए। कमल पटेल मंत्री जी, उनकी सिफारिश करते रहे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनको फांसी की सजा न मिले।